नमस्कार, वीकेबी विशेष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीकेबी विशेष में आज हम एक ऐसी घटना के बारे में आपको बताएंगे जो हुई है महाराष्ट्र के बीड में। जी हाँ, महाराष्ट्र के बीड में एक अजीब और गरीब मामला सामने आया है जिसे जानकर आप सब हैरान हो जाओगे। इस मामले में 252 हत्याएं हुई है और हत्यारे सिर्फ दो है, और हत्यारों की दहशत इतनी है कि हत्यारों को देख कर लोग अपने अपने घरों के दरवाजे तक बंद कर देते हैं। आपने हमेशा से ये सुना है कि कातिल इंसान ही होते हैं, लेकिन यहाँ तो मामला बहुत ही अलग है। यहाँ कातिल कोई और नहीं, दो बंदर हैं। जी हाँ, दो बंदर कातिल हैं जिन्होंने कुत्तों से ऐसी दुश्मनी ली है कि श्वानों के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कुल 250 बच्चों का कत्ल किया गया है। आप ये सोचकर परेशान हो जाओगे कि आखिर इन बंदरों ने इतने सारे श्वानों का कत्ल क्यों किया। तो लीजिए, इस मामले को विस्तार से सुनिए। बंदरों के झुंड में से एक बंदर के बच्चे को मार दिया गया था। इसके बाद क्या था, बंदरों में बदला लेने की भावना जाग उठी, जिसे वो अंजाम देने पर उतारू हो गए। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवरों की भी अपनी भावनाएं होती है जिसे हम नहीं जान सकते। कहा जा रहा है कि बंदर श्वानों को पेड़ की ऊंचाई से नीचे फेंक देते थे, और ऐसा कर करके बंदरों ने करीब 250 मासूम श्वानों का कत्ल कर दिया। घटना महाराष्ट्र के बीड जिले की है, जबकि बंदरों की दहशत से गांव वासी भी काफी परेशान हो गए हैं। इसी कारण वन विभाग के एक पथक को बीड जिले में बुलाकर बंदरों को पहले शिकंजे में किया गया, फिर उन्हें नागपुर लाए जाने की जानकारी सामने आ रही है। अपने आप में ये पहली ऐसी घटना है जब बंदर ने बदले की भावना से इतने श्वानों की हत्या कर दी।